अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी का बड़ा बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को गंभीर डायबिटीज है और केजरीवाल का वजन घटना चिंताजनक है। अरविंद केजरीवाल का वजन करीब 4.5 किलो घटा है और अगर कुछ हुआ तो भगवान माफ नहीं करेगा। तो देखिए, इस तरीके से दिल्ली सरकार के मंत्री, दिल्ली सरकार के नेता और साथ ही आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं, वो इस मामले को लेकर चिंता जता रहे हैं। साथ ही इस मामले को लेकर केंद्र सरकार और जो एजेंसियां हैं, उन्हें भी कटघरे में खड़ा करते रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को अगर कुछ हुआ तो भगवान माफ नहीं करेगा। ये आतिशी की तरफ से कहा गया है और साथ ही कल दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी की तरफ से ये भी कहा गया था कि केवल अरविंद केजरीवाल ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने की तैयारी इस समय चल रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घटते हुए वजन को लेकर लगातार चिंता जताई जा रही है। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता इस मामले को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर कर रहे हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि डॉक्टर्स भी उनके इस घटते हुए वजन को लेकर चिंतित हैं। हालांकि जेल मैनुअल के मुताबिक ऐसी किसी स्थिति के अंदर जो डॉक्टर्स हैं, जेल में जेल का जो प्रशासन है वो भी लगातार निगरानी रखता है, नजर रखता है और जो मॉनिटरिंग है, रेगुलर मेडिकल चेकअप वो किया जाता है, मॉनिटरिंग लगातार की जाती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के घटते हुए वजन को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से चिंता जाहिर की गई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को डायबिटीज है और डायबिटीज के लिए वो दवाएं भी लेते हैं। और न्यायिक हिरासत में जब राव जेवन कोर्ट ने उन्हें भेजा था तो कोर्ट की तरफ से दिए गए आदेश के अंदर इस बात का भी जिक्र किया गया था कि उनकी दवाएं उन्हें उपलब्ध कराई जाए। और आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि ईडी और बीजेपी दोनों एक हैं। ईडी के वकीलों में बांसुरी स्वराज का भी नाम है। बीजेपी ने बांसुरी स्वराज को लोकसभा का टिकट दिया है। तो जांच एजेंसियों और बीजेपी के बीच सांठगांठ का आरोप लगाते हुए सौरभ भारद्वाज की तरफ से बड़ा हमला बोला गया है। दिल्ली से, नई दिल्ली सीट से जो बीजेपी की उम्मीदवार हैं बांसुरी स्वराज और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी हैं, उन पर आरोप लगाया गया है और कहा गया है कि ईडी के वकीलों की फेहरिस्त में बांसुरी स्वराज का भी नाम है, जिन्हें बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में दिल्ली के चुनावी मैदान में उतारा है। और ऐसे में ईडी के ऊपर राजनीतिक सांठगांठ का आरोप लगाया है। तो सौरभ भारद्वाज की तरफ से जो सोशल मीडिया एक्स है उस पर क्या कुछ कहा गया है वो आपको बता दें। आम आदमी पार्टी पर बीजेपी और ईडी की तरफ से सांठगांठ का आरोप लगाया गया है। बीजेपी और ईडी पर आम आदमी पार्टी के आरोपों की ये चोट आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आरोप लगाया गया है। ईडी के वकीलों का मुद्दा उठाया है कि जिन वकीलों को ईडी ने हायर किया है उन वकीलों की फेहरिस्त में बांसुरी स्वराज का भी नाम है और बांसुरी स्वराज बीजेपी के प्रत्याशी हैं। दिल्ली की नई दिल्ली सीट से, लोकसभा सीट से बांसुरी स्वराज को टिकट दिया है बीजेपी ने। और ऐसे में ईडी और बीजेपी के बीच सांठगांठ का आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया गया है। तो आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है, जहां एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गिरते हुए स्वास्थ्य, उनके घटते हुए वजन को लेकर चिंता जताई जा रही है, साथ ही ईडी पर भी लगातार हमलावर है आम आदमी पार्टी। और आपको बता दें, दिल्ली में शराब घोटाला मामले में नेताओं की गिरफ्तारी के बाद से सियासी पारा लगातार चढ़ा हुआ है। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी और ईडी दोनों दरअसल एक ही हैं। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरीके के आरोप लगाए गए, लेकिन इन आरोपों का पलटवार बीजेपी की तरफ से भी हुआ है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष के लोग न्यायालय पर सवाल उठाते हैं लेकिन न्यायालय स्वतंत्र है। हरदीप पुरी ने क्या कुछ कहा है सुनिए जरा। ईडी भारतीय जनता पार्टी का एक अंग है, जैसे एक यूथ विंग होता है, विमेन विंग होता है, ऐसे ये ईडी विंग है, बीजेपी का है। अब इनके खिलाफ जो बोलेगा उसके अंदर ईडी कहीं ना कहीं से ले आएंगे। क्यों ले आएंगे? ताकि पहले गिरफ्तार करें, बाद में मुकदमा हो, बाद में चार्जशीट हो, बाद में फैसला हो, मगर पहले गिरफ्तार कर लें। तो वही नाटक जो है वो चल रहा है। राहुल गांधी जी बोल रहे थे उस दिन रामलीला मैदान, उन्होंने बोला इलेक्शन कमीशन ये फिक्स्ड मैच है, इलेक्शन कमिश्नर भी आपके हैं, जुडिशरी भी आपकी है। अरे भाई, जुडिशरी हमारी होती तो ये इतनी बढ़िया स्कीम है इलेक्ट्रल बॉन्ड, क्यों उन्होंने उसको नेगेटिव कर दिया? तो ये हमारी डेमोक्रेसी की खासियत है कि हम अगर कोर्ट्स इंडिपेंडेंट है, वो जो भी निर्णय लेंगे। पर ईडी ने अपोज भी नहीं किया।